हेलो माय सोल फैमिली, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या दिव्य संदेश है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं और इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है। जितने भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको कन्वे करने की। ओके, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस ही मिलेंगी। एंड थैंक यू सो मच हमेशा इतना प्यार बरसाने के लिए। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ जिससे आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कुछ लोग हैं, ऐसा पहले भी हुआ है कि मेरा फेक अकाउंट क्रिएट करके आप लोग को मैसेज करते हैं कि आप मुझसे रीडिंग बुक कराइए, आप मुझसे रीडिंग कराइए या आप मेरी सर्विसेज परचेज करिए। देखिए, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से कभी भी किसी को कोई मैसेज नहीं जाता है, कभी किसी को कोई कॉल नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है मेरे नाम से तो वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बिकॉज मैं बहुत लिमिटेड स्लॉट ही बुक करती हूँ रीडिंग्स के। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज मुझे अप्रोच करते हो तो ज़रूरी नहीं है आज की आज आपको रीडिंग मिल जाएंगी, कभी कभार 2 दिन के बाद भी आपकी रीडिंग बुक हो सकती है। तो ये चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अगर कोई भी आपके पास आता है तो वो मैं नहीं हूँ। किसी को भी आपने अपने पैसे ऐसे ही नहीं देने हैं, ठीक है। आप मुझे कंप्लेन कर सकते हो अगर आपके पास कोई आता है इस तरीके से मेरा फेक अकाउंट क्रिएट करके कि आप उनसे रीडिंग लो, समथिंग लाइक दैट, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं ईश्वर की तरफ से आप लोग के लिए क्या दिव्य संदेश है, क्या मैसेज है। आप ईश्वर का ध्यान करिए। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। जस्टिस, गुड। एस ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस, द हाई प्रोस्टस, एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। गुड, आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स, राइट? या पेज ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। पेंटिकल्स का एनर्जी कितना सारा आ रहा है। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, वाओ। टेन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ब्यूटीफुल एनर्जी, टेम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स बहुत सारे हैं, हालांकि सभी साइन हैं। यूजुअली मैं साइन नहीं बताती हूँ बिकॉज मल्टीपल लोग रीडिंग्स देख रहे होते हैं, कुछ लोग आज देखेंगे, कुछ लोग 6 महीने बाद देखेंगे, तो सारे साइंस की ऑलमोस्ट ये रीडिंग होती ही है। जनरल रीडिंग यूजुअली सारे साइन की होती है एंड डेट इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, नहीं बताती हूँ कौन सी तारीख को मैं बना रही हूँ रीडिंग। रीज़न की सारी टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके सामने आएगी या जब भी आप इसे वॉच करोगे हो सकता है आपको कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस ही मिले। पहले आप तो देखो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर काम करना है, राइट? अगर आपके अंदर देखो एक
अगर आपको लगता है, नॉट आपको लगता है, इफ़ यू फील कि यू हैव सर्टेन ईगो, बहुत बहुत प्रोमिनेंट है ये, हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करें। अगर आपको देखो ईगो लगता, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, तो कहीं ना कहीं कोशिश करिए उसको कंट्रोल करने की, उसको टेम करने की, या फिर उसको ख़त्म करने की, ठीक है? बिकॉज़ अगर आप नहीं ख़त्म करोगे तो हमेशा एक लॉस की एनर्जी में रहोगे। बहुत सारे अच्छे रिश्ते आप खोओगे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप आप खोओगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप अपने अच्छे दोस्तों को खो रहे हो, आप कुछ अच्छे रिलेशनशिप को खो रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ खो रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीज़न आप खुद हो, आपका ईगो। ओके, अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कोशिश करिए, थोड़ा सा अपने नेचर को हम्बल करिए, अपने आप को हम्बल करिए, डाउन टू अर्थ रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब इस चीज़ को आपने ले मत लेना है कि ये हमें मैम ऐसा कैसे कह रही है। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, मैं एक एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है? सेकेंडली, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जस्टिस सर्व होगा। ये आपके ऑफिस से भी हो सकता है, ये आपके पर्सन से भी हो सकता है, ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, या फिर ये आपका अगर किसी तरह का कोर्ट केस चल रहा है उसमें भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत हाई टाइम आ गया है कि आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है? अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है अपने ऑफिस में, तो प्रमोशन मिलेगा, या फिर अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो आपको रिस्पेक्टिव अच्छी जॉब मिलेंगी, अच्छे लोकेशन पे मिलेंगी, आपके कुछ इस तरह की होंगी जो आपको काफ़ी पसंद आएगी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपकी सैलरी अच्छी होती है, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जॉब सेटिस्फैक्शन भी होगा एंड आपकी सैलरी भी अच्छी होगी, ठीक है? कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आप लोग का जॉब रोटेशन हो सकता है, कि सेम कंपनी में आप कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट पे जाए, वहाँ पे जब आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा पीसफुल एटमॉस्फेयर, पीसफुल एनवायरनमेंट, वर्क सेटिस्फैक्शन, सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। अगर आपके पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया है, कहीं ना कहीं आपको बहुत इनजस्टिस फील हो रहा है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, उन्होंने जो भी किया मेरे साथ अच्छा नहीं किया, या फिर मेरे साथ अच्छा हुआ ही नहीं है, है ना? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो अभी एक ऐसा टाइम है कि आपके पर्सन हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऑफर दे, आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे में अप्रोच करे, तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है। अगर आपको कुछ कोर्ट केस चल रहा है और आप बिल्कुल इनोसेंट हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है और आपको जस्टिस चाहिए वहाँ से, तो वहाँ पे भी बहुत मेजर चांसेस है कि आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है? सेकेंडली, मैं आपको बताऊँगी, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सॉलिड अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो ये बताती है कि आपकी लाइफ में वो अगर अपॉर्चुनिटी को आप लेते हो, ग्रैब करते हो, कि किसी तरह का बिजनेस हो सकता है, या फिर किसी तरह का बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, किसी तरह का कुछ प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर किसी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, अगर आप लेते हो तो वो आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी लाएंगे आने वाले समय में। एंड कहीं ना कहीं आपकी फिनेंशियल स्टेटस उस चीज़ से बढ़ेगा, आपके फिनेंसिस काफ़ी स्ट्रांग होंगे उस चीज़ से, ठीक है? एंड अगर आपकी लाइफ में इस समय फिनांसिस से कनेक्टेड कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो भी आप बैलेंस बना के रखिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपनी प्रार्थनाएं कीजिए, और जो हार्ड वर्क होता है वो आप करिए, बिकॉज कुछ चीज़ें ही आपके कंट्रोल में हैं। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं वो चीज़ आप कंट्रोल करिए, जो नहीं है वो आप जाने दीजिए। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं यूनिवर्स से, आप भगवान से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना? बहुत सारी टूल्स टेक्निक्स होती हैं, सिंपल सिंपल टूल्स टेक्निक्स होती है, आप थोड़ा सा पढ़ के भी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस को चैंट कर सकते हैं, राइट वे में विजुअलाइज कर सकते हैं, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी है, एंड उससे आपको मतलब इन द सेंस कि उससे अगर किसी को नुकसान नहीं होगा, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे आपके मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने में, ठीक है? तो आप बिल्कुल वो करिए। यस, वाटर टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वाटर से भी मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत जल्दी होती है। हाँ जी, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है आपने, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज है। चाहे इस समय कितनी भी उथल पुथल चल रही हो जिंदगी में, जहन में, अपने अंदर, अपने बाहर कुछ भी हो रहा हो, तो भी आप थोड़ा सा अपने अंदर बैलेंस बना कर चलिए। देखिए, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास डिवाइन का पूरा सपोर्ट है, ईश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ईश्वर आपको समझा रहे हैं, ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ईश्वर आपको सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं, ईश्वर कुछ चीज़ें जो नेगेटिव है आपकी लाइफ में, या फिर आपके अंदर, या फिर आपके ऊपर, उस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने थैंकफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है ईश्वर को, जो हर समय आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है?
कुछ दिव्य शक्तियाँ ही ऐसी होती है या दिव्य आत्मा ही ऐसी होती हैं जिनका ईश्वर पूरा सपोर्ट करते हैं और हर समय सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना उच्चतम स्तर की सोल, कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ वैसी वाइब है। आपने अपनी लाइफ में ना पेशेंस रखना है, चाहे कुछ भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, पेशेंस रखना है और अपने अंदर बैलेंस बना के रखें। ये दो चीज़ अगर आप रखेंगे ना तो आपको आपकी लाइफ में सब चीज़ें मिलेंगी, जो भी कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से कनेक्टेड हो, चाहे वो आपके फाइनेंस से कनेक्टेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से कनेक्टेड हो, लेकिन आपने सही चलना है ना, किसी को नुकसान नहीं करना है, गलत रास्ते को नहीं अपनाना है। तो डेफिनेटली ईश्वर आपको वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको ज़रूर देंगे। देखिए, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पहले से ही आभास हो जाता है हर चीज़ का कि मेरे साथ ये हो सकता है या ये होने वाला है, लेकिन हमारी एक ऐसी आदत होती है कि हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें ऐसा लगता है यार हमारे तो ये थॉट्स हैं हमेशा आते जाते रहते हैं, हम हमारी इंट्यूशन पर विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये कह रही है कि अगर आपको आपकी लाइफ में जो भी कुछ आप चाह रहे हो, कुछ अगर आपको फुलफिल करना है अपनी लाइफ में या आपकी लाइफ में किसी तरह का कंप्लीशन आना है, तो वो जब तक आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनोगे तब तक आपको नहीं आप उस चीज़ को नहीं पा पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको अपना कनेक्शन ना स्ट्रॉन्ग बनाना है डिवाइन के साथ। जब आप अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं डिवाइन के साथ, तो डेफिनेटली हमें गाइडेंस भी सही मिलती है, हमें मैसेजेस भी सही मिलते हैं, कहीं ना कहीं हमारा विश्वास भी बहुत बनता है ईश्वर पे, ठीक है। आप इसके लिए मेडिटेशन करिए, जब आप मेडिटेशन करोगे ना तो डेफिनेटली आपका डायरेक्ट कनेक्शन होगा ईश्वर से, फिर आपको थॉट्स में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, आपकी इंट्यूशन में डिफरेंस समझ में आ जाएगा, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या मेरी इंट्यूशन है और क्या मेरे थॉट्स है, ठीक है। और कोशिश करिए अपने चक्रास पे काम करने की, जितने अच्छे आपके चक्रास होंगे, जितने क्लीन क्लीन आपके चक्रास होंगे, जितने बैलेंस आपके चक्रास होंगे ना, उतना ही फिजिकल बॉडी आपका अच्छा होगा, उतना ही ऑरा आपका मैग्नेटिक होगा, उतना ही ऑरा आपका स्ट्रांग होगा, एंड कहीं ना कहीं आप हर एक चीज़ को प्रॉपरली टैकल कर पाओगे, प्रॉपरली हैंडल कर पाओगे, ओके okay? यस देखिए अगेन टेम्परेंस की एनर्जी है, ईश्वर आपके साथ है, यू आर वेरी लविंग चाइल्ड ऑफ गॉड। टेम्परेंस का कार्ड आना मतलब आर्कएंजल माइकल का कार्ड है, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति ईश्वरीय ऊर्जा का कार्ड है जो हर समय आपके साथ है। अगेन ये वही चीज़ है कि आपके लिए इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी आ सकती है विच इज़ कनेक्टेड विद योर करियर, करियर से ओरिएंटेड, सॉरी करियर से कनेक्टेड बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, आपके फाइनेंस से कनेक्टेड बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। यस बट अगेन सेम चीज़ है, अपने अंदर आप बैलेंस बना के रखिए, थोड़ा सा अपने पास्ट से बाहर निकलिए। अगर आपको पास्ट में किसी ने धोखा दिया है, चाहे वो आपके ऑफिस में हो, चाहे वो आपके कलीग हो, चाहे बहुत अच्छे दोस्त हो, या फिर आपकी लव लाइफ में किसी ने आपको धोखा दिया है, यस, या आपके साथ कुछ अनफेयर हुआ है ना, होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए मिस्ट्री बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हिस्ट्री बन जाती है, लेकिन हमें ईश्वर का हमेशा विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर पे हमेशा विश्वास करना चाहिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है। अगर कोई हमसे रिश्ता छूटा है, कोई रिश्ता टूटा है, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी हुई है, वो सामने वाले पर्सन के लिए भी और हमारे लिए भी, है ना। तो इस चीज़ का आपने हमेशा विश्वास रखना है और इस चीज़ पर हमेशा विश्वास करना है। आज नहीं तो कल वो चीज़ समझ में ज़रूर आएंगी, लेकिन जो होता है वो चीज़ अच्छे के लिए होती है। तो थोड़ा सा पास्ट से बाहर निकलिए, अगर पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ भी किया है, या फिर चेन्स ऑफ बिट्रेयल्स आपके साथ हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको बिट्रे किया है, बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हुए हैं, या बहुत सारे लोगों ने बहुत जेलेसी क्रिएट करी है ताकि आप करियर में ज़्यादा ग्रो ना कर पाओ, आपके फाइनेंसेस अच्छे ना हो, आप अपनी लाइफ में जगल करो। देखो जिसने जो किया उसको वो करने दो, हर कोई अपना कर्म भुगतता है, ठीक है। आपने फिर भी अपने थॉट को पॉजिटिव रखना है, अपना हार्डवर्क करते जाना है, और प्लीज़ ये पास्ट की एनर्जी से बाहर आ जाइए, है ना। पास्ट की एनर्जी में ज़्यादा रहोगे तो फिर आपका रूट चक्रा वीक होगा, है ना, रूट चक्रा वीक होगा, देन आपका सेक्रल चक्रा भी वीक होगा, आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचानोगे, अपने आप को कहीं ना कहीं कम आंकोगे। तो इस एनर्जी में हमें नहीं रहना है, हम जितने हैं भगवान ने हमें बनाया है, एंड हम जितने हैं जो भी हैं जैसे भी हैं, हम एक प्योर सोल है, हम एक अच्छे इंसान हैं, और हमें हमारे कर्म करने हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ओके। और यस थोड़ा सा ग्राउंडिंग टेक्निक आप सीखिएगा, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे,
या फिर कहीं से किसी से आप सीख सकते हो। ग्राउंडिंग टेक्निक आपको करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बहुत एक्सेस एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है और वो एक्सेस एनर्जी को आप प्रॉपरली चैनल नहीं कर पा रहे हो, मैं ये भी देख रही हूँ। तो वो सारी की सारी चैनलिंग हो रही है आपकी ओवर थिंकिंग में, जिसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं माइंड इम्बैलेंस हो रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है। एंड सेकेंडली आपको दान दक्षिणा करनी है, ठीक है। दान दक्षिणा करनी है, अपने हिसाब से करिए, जितना दे सकते हो उतना दीजिए, जितना कर सकते हो उतना करिए, लेकिन करना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस है। एनर्जीज को आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेज है ईश्वर की तरफ से। एक और चीज़ है, आपके जो मन है ना, वो बहुत मुझे इस समय बहुत चंचल लग रहा है। उस चंचल मन को आपका कंट्रोल करना है, ठीक है। बहुत रेस्टलेस माइंड मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप किसी चीज़ को लेके। मत ओवर थिंकिंग करें, बिकॉज ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं लीड्स टू लॉट ऑफ नेगेटिविटी। अच्छे इंसान को भी आप सोच सोच के ना नेगेटिव बना दोगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए किसी भी चीज़ को लेके। सरेंडर करिए अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो। वाह, अबंडेंस, ब्रेक थ्रू, अमेजिंग, कंप्लीशन, सब कुछ आपके लाइफ में मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो सब कुछ मिलेगा। अपने पास से बाहर निकलिए, बिकॉज पास में कुछ ना कुछ ना आपके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने अपने आप को बहुत सप्रेस कर लिया। आपका डेफिनेटली, आपका ना यहाँ पे मेजर मेजर चांसेस है कि आपका सोलर प्लेक्सस बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस मुझे लग रहा है आपका सोलर प्लेक्सस, क्योंकि तो जो पास में जो भी कुछ इवेंट आपके साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं हुए, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत सप्रेस कर रहे हो। आप एक आज़ाद परिंदे हो, रिमेंबर दिस थिंग। अपने आप को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अपने थॉट्स को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है बोलने की ज़रूरत है, स्पीक आउट, है ना। और ये अगर ये पास से बाहर नहीं निकलोगे तो सफरिंग होगी। जैसे कि आप अपने पास से बाहर निकलना शुरू करोगे, अपने आप को आज़ाद परिंदा कहते हैं ना वो, मानोगे या समझोगे, तो डेफिनेटली आपके हार्ट चक्रा में एंड आपके थर्ड आई चक्रा में एक बैलेंस आएगा। यू कैन सी दिस, वो बैलेंस तभी आएगा जब आप अपने पास से बाहर निकलोगे, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है, जब ये चीज़ होंगी तब आप का यूनियन हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, आपके सोलमेट के साथ, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। वही चीज़ है, अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जो भी कुछ वॉट एवर पास्ट में हुआ है, वो सब हो सकता है वो आपके ही किसी तरह के कर्म हो पिछले जन्म के जो कटने थे, लेकिन जो हो चुका है वो हो चुका है, पास्ट को हम नहीं बदल सकते, ठीक है। आपकी लाइफ में ना देखिए भरपूर अबंडेंस है, आप उस तरफ ध्यान दीजिए। आपका आपका अफर्मेशंस, आपकी मैनिफेस्टेशन इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है और आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। ब्रेक थ्रू बहुत नियर है आपकी लाइफ में। वो होता है ना कि हम मतलब लास्ट स्टेप पे अटके हुए, तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन भी मुझे ऐसे ही दिख रही है। ब्रेक थ्रू नियर है, कंप्लीशन की एनर्जी है। आपकी लाइफ में आप जो चाह रहे हो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सिर्फ आप एक स्टेप दूर हो, ठीक है। सिर्फ आप एक स्टेप दूर हो, वो एक स्टेप आप लीजिए, जो भी है। यस, देखिए किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है ये, है ना। आपके करियर में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके फाइनेंसेस में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस सिर्फ पैसों से कनेक्टेड नहीं होती, अबंडेंस इन ऑल सेंस, प्रोस्पैरिटी इन ऑल सेंस आपके लाइफ में आ रही है। गुड, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं, देन विल फिनिश। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। भगवान जी प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। डेस्टिन, ओके, डेस्पोंडेंस, ग्रीफ, इम्पार्शियलिटी, गॉसिप। देखिए आपके, हो सकता है आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा हो सकता है आपसे लोग जेलसी बहुत ज़्यादा करते हो, आई एम सॉरी। नहीं तो आप बोलोगे मैम उसमें आपके हेटर्स ज़्यादा हैं, लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं।
आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग या किसी तरह का षड्यंत्र रचते होंगे, बट जिनको जो करना है वो करने दीजिए। रिमेंबर वन थिंग, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, ठीक है? ईश्वर पर विश्वास रखना है, और बहुत ज़्यादा पेन की एनर्जी में या फिर नाराजगी की एनर्जी में, दुख की एनर्जी में, सैडनेस की एनर्जी में, लॉस की एनर्जी में नहीं रहना है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ चीज़ें खोई हैं बट कुछ चीज़ें हमारे पास अब भी हैं। वी हैव टू ऑलवेज काउंट आर ब्लेसिंग्स, ठीक है? ना कि जो खो गया है, जो छूट गया है, जो चला गया है, या जो जा चुका है, जिसने परेशान किया है, जिसने धोखा दिया है, हम उसके बारे में सोचें। वी हैव टू थिंक कि जो हो चुका है वो हो चुका है, हम उसको नहीं बदल सकते। अब हमारे पास क्या है, जो भी चीज़ है ना, उस चीज़ के लिए हमें पॉजिटिव रहना है, उस चीज़ के लिए हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है। एंड टिट फॉर टैट की एनर्जी में आपको नहीं रहना है कि किसी ने आपके साथ ऐसा किया तो मुझे भी वही करना है, नहीं, ठीक है? जिसने जैसा किया उसको वैसा करने दो, और आप अपने आप को ना कहीं बैलेंस रखिए। टिट फॉर टैट की एनर्जी में नहीं रहना है, ठीक है? फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस ही मिले। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।